हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमोनिया समझेंगे। न्यूमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक संक्रमण डिजीज है जो बैक्टीरिया से या माइकोप्लाज्मा या कुछ वायरस के इन्फेक्शन के एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से होता है। ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि न्यूमोनिया काउजिंग सूक्ष्म जीव हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए लंग्स के अंदर जाकर कोलोनाइज हो जाता है या अपना यानी कि अपना रेसिडेंशियल प्लेस बना लेता है, वहां अपना घर बना लेता है, कोलोनाइज हो जाता है और उसके बाद ये इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश कर देता है वहां पे, जिसके वजह से न्यूमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया एक संक्रमण रोग है। न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए लंग्स में चला जाता है। इसके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी कि डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स फेफड़ा के अंदर चला जाता है। फेफड़ा के अंदर जाकर इन्फेक्शन पैदा करता है। उसके जो इनक्यूबेशन पीरियड है लगभग 10 से 14 दिन की, 10 से 12 दिन की, यानी एक दो हफ्ते लगते हैं इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश करने में। तो इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश करने में जितना टाइम लगता है जिससे कि सिम्टम आने लगे, तो उस पीरियड को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद लक्षण के रूप में हमें दिखेगा कि फीवर हो गया, कफ हो गया यानी खांसी हो गया, उसके बाद कह कि हेडेक है, फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज महसूस होती है निमोनिया के केस में, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और सीवियर केसेस में एक और सिम्टम आता है जिसमें नेल्स जो नाखून है हमारे और लिप्स होंठ ये ब्लू हो जाते हैं, रेड कलर से ये क्या होगा कि ब्लूइश कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण है। और जिस बैक्टीरिया से ये बीमारी होता है उस बैक्टीरिया में, यहाँ पे तीन तरह के बैक्टीरिया का मैं जिक्र किया हूं, जिसमें पहला है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो एनसीईआरटी के बेस के बुक में दिया हुआ, चूंकि ये जो वीडियो है वो 10+2 के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए, नीट के लिए, एम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो एनसीईआरटी में जितने कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है उसी का मैं जिक्र यहाँ पे करता हूँ, एक दो ज्यादा लिख देता हूँ कि हो सकता है कि कुछ अलग से भी पूछ दे, तो इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछेगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ये तीन तरह के बैक्टीरियल स्पेसीज है जिसके इन्फेक्शन से, जिसके संक्रमण से न्यूमोनिया रोग हो जाती है। अच्छा, ये माइकोप्लाज्मा से भी होता है। माइकोप्लाज्मा जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो के अंदर, माइकोप्लाज्मा का एक वीडियो जो है अवेलेबल है हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे, आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें ताकि माइकोप्लाज्मा का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो कि माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया के तरह का ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन चूंकि बैक्टीरिया क्या है कि प्रोकैरियोट है, तो ये भी प्रोकैरियोट है, मोनरा किंगडम में आता है ये भी। लेकिन माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में फर्क ये है कि बैक्टीरिया में सेल वाल होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होता, यानी कि सेल वाल लेस बैक्टीरिया इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जनरली पैथोजेनिक होता है और वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव करता है, ठीक है। तो देखिए तीन दो तरह की चीजें हुई, प्रोकैरियोट ही है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट हुआ और माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोट हुआ, तो इससे ये बीमारी हो जाती है इसके संक्रमण से। तीसरा जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कुछ वायरसेस,
कई तरह के वायरसेस हो सकता है, जिसमें एक COVID-19 का आप नाम सुन रहे हैं, जिस COVID-19 के प्रकोप की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। तो इस वायरस के इन्फेक्शन से भी निमोनिया ही होता है, निमोनिया के तरह की ही डिजीज है, सीवियर ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये, कि इसमें भी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है और वायरस क्या करता है कि लंग्स के सेल के अंदर चला जाता है। क्योंकि वायरस से जब उसका जो पैथोजेनेसिस देखेंगे आप, जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ वायरल पैथोजेनेसिस देखेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि साहब बैक्टीरिया वायरस जो होता है ना, वायरस अपने जीनोम को होस्ट सेल के अंदर डाल देता है, वायरस खुद नहीं जाता है, अपने जीनोम को डाल देता है। उसके जीनोम के अंदर वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है, वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या होता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में रन कर जाता है और बहुत सारा वायरस बना लेता है। तो यहाँ पे संक्षेप में ये समझिए कि निमोनिया रोग बैक्टीरिया से होता है, जिसमें तीन नाम दिए गए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी एंड माइकोप्लाज्मा। और कुछ वायरसेस जिसमें जो है COVID-19 भी शामिल है, तो इसके संक्रमण से ये निमोनिया रोग हो जाता है। इसके सिम्टम है फीवर, चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स का ये सारे जो है सिम्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, तो फिर फीवर आएगा ही, चाहे वो टाइफाइड के केस में हो, निमोनिया के केस में हो, मलेरिया के केस में हो। जब इन्फेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो फीवर उसका एक सिम्टम है, फीवर होगा। निमोनिया में कफ होता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज इसलिए होती है इसमें निमोनिया के केस में कि देखिए निमोनिया में क्या होता है कि लंग्स के सेल जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। लंग्स का काम क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को जो है शरीर के अंदर सप्लाई करता है। तो क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है एनवायरमेंट और हमारे बॉडी के सिस्टम के इंटरफेस पे, ये गैसियस एक्सचेंज होता है। अब गैसियस एक्सचेंज में यानी कि ऑक्सीजन इनटेक में कमी हो जाती है, क्योंकि वहां वायरस या बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा जाकर उस सेल को यानी एल्वियोलर सेल को यानी लंग्स के सेल को डैमेज कर चुका है, वहां पे उसको डिस्टर्ब कर चुका है। तो उसमें क्या होता है कि म्यूकस फील हो जाता है, जहां पर जो है ऑक्सीजन भरना चाहिए, जैसे बैलून के अंदर जो है ऑक्सीजन एयर होता है ना, उसी तरह से ऑक्सीजन भर जाता है एल्वियोलर सेल के, फूल जाता है पूरा बैलून के तरह। तो उसमें जो है ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वहां पे म्यूकस आ जाता है और लिम्फ उसमें भर जाते हैं, म्यूकस एंड लिम्फ, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से आदमी को चूंकि ऑक्सीजन तो चाहिए बॉडी को, तो जल्दी 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 सांस लेगा और उसको परेशानी होती है। इसको कहते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यानी कि सांस लेने में परेशानी। तो इसमें क्या है सिम्टम, फीवर, कफ, हेडेक, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज यानी सांस लेने में परेशानी, और सीवियर केस में क्या होगा कि नेल्स एंड लिप्स जो है वो ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो ये है इसके साइन एंड सिम्टम। ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस है, जो बैक्टीरियल पैथोजेन हो सकता है और माइकोप्लाज्मा हो सकता है या सम वायरसेस हो सकते हैं जिसमें COVID-19 भी इन्वॉल्व है, कोरोना वायरस भी इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या है कि अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो देखिए जहां कहीं पर भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो एंटीबायोटिक का तो ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद अगर मान लिया कि इसमें एंटी
अगर वायरल इंफेक्शन है, ये वायरल इंफेक्शन की वजह से हुआ तो एंटीवायरल मेडिसिन चलेगी। एंटीवायरल मेडिसिन के साथ साथ एक सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक एंटीबायोटिक भी उसमें रहेगा। तो जब कभी ये बीमारी हो जाए, इस तरह के सिम्टम जो है आने लगे, तो तुरंत जो है डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में आना चाहिए, एक वेल ट्रेंड फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। वो चूंकि वो उसी में एक्सपर्टीज होते हैं, वो तो वो उस बीमारी को मैनेज कर लेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपने देरी किया तो क्या होगा कि ये जो इन्फेक्शन है पूरे बॉडी में फैल जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा और मल्टी ऑर्गन फेल्योर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और अल्टीमेटली मरीज की डेथ हो जाएगी, पेशेंट जो है मर जाएगा। तो इसलिए हम जहां तक हो सके, हम अगर इस तरह की सिम्टम आए तो तुरंत हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।